हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज हम उत्पन्ना मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी के महत्व और कथा के बारे में जानेंगे। श्री सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, हे महर्षि, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष में लौद अधिक पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। एकादशी का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। यह सब एकादशी यथा नाम और गुण वाली है। इन एकादशी के नाम और गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, प्रेमी जन ही इस व्रत को उत्पत्ति प्रेम पूर्वक सुनते हैं। इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी से बोले, ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, इस एकादशी व्रत महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और क्या विधि है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातून करना चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी सरोवर बावड़ी कुआं आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले मिट्टी पर चंदन लगाना चाहिए। चंदन लगाने से मंत्र इस प्रकार बोले, अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उधतापी प्रहारेण कृष्णेन सुत बाहुना मृत्यु के हर में पापम यन्मया पूर्वम संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरों की बुराई करना, स्त्री गमन करने, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्य कर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन तथा रात्रि को भजन सत्संग कर्मों में व्यतीत करनी चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक साथ समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य से 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतीत भोग योग में संक्रांति में चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो 100 गुना पुण्य एकादशी के उपवास करने से मिलता है। 1,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वह फल एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। जो पूर्ण वेद पाठी ब्राह्मण को 1,000 गौ दान करने से मिलता है वह 10 गुना अधिक पूर्ण एकादशी के व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पूर्ण मिलता है वो एकादशी के 10वें भाग के बराबर होता है।
10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमिदान को प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्न दान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करना करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा भी एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली सुअर अन्य एकादशी के वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बतलाया है? सो सब कहिए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुन नाम का दैत्य था। उस दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनका स्थान से गिरा दिया। देवेंद्र और महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मूल दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा करके इस दुख को छुटकारा करने के लिए कोई उपाय बताइए। समस्त देव देवताओं से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन संहार कर्ता और देवताओं की सहायता करने वाले, शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों के उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा सूर्य चंद्र अग्नि स्मरण मंत्र यजमान यज्ञ कर्म कर्ता भोक्ता आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, वे कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ रहता है और उसमें कैसा बल है? ये सब मुझसे कहो। भगवान के वचनों सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश की उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वे अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र अग्नि यम वरुण चंद्रमा सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल को वर्षा करता है। अतः आप इस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत कराओ। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब सब चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक देवताओं के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्र अस्त्रों के साथ देवताओं को युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं दानव आगे एक क्षण भर भी नहीं ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र गदा शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों को प्रयोग कर रहे थे उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने दैत्य को जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां आया। उस शयन
करता देख मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके पन्नी हुई दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों में टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ तोड़ दिया। वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, उस कन्या को धक्का मारकर मूर्छित करा दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काट यमपुर पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे, विचारने लगे इस दैत्य को किसने मारा। कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, भगवान मुझे यह वरदान दीजिए जो मेरा व्रत कर और अंत में स्वर्ग को जाए, मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने से वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा और मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए जब तीज आठे नौमी चौदस में अधिक प्रिय है, तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल के महान होगा, मेरा कथन सत्य है। ऐसे कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुन अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों को, शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, सिद्धि को देने वाली, उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना नहीं चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं उनको धन्य है, जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उस जगह पूजा होती है, जो एकादशी महात्म्य को चौथाई भाग को सुनते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।